मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल अवध जोन के अध्यक्ष चौधरी रामसिंह पटेल के नेतृत्व में सदर तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन धरना स्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नायक तहसीलदार अयोध्या को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना घटित हुई है वह मानवता को शर्मसार करने वाली है। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को मूकदर्शक बनकर होने दिया जिसने मणिपुर के सामाजिक ताने बानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। साथ ही मणिपुर हिंसा ने दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। बड़े अफसोस की बात है कि मणिपुर में बढ़ रहे संवैधानिक संकट पर संसद के दोनों सदनों में कोई चर्चा नहीं हुई और न ही देश के प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही में शामिल होकर अपना वक्तव्य दिया। लोकदल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री जयंत चौधरी के निर्देश पर जो मुल्क के अंदर 4 मई को मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर विभिन्न अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे सूबे के अंदर हर जगह महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन दे रहा है। मणिपुर में 78 दिन आज हो गया है, पूरा मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है। 160 लोग मारे गए हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और 80,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ के भाग गए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश का प्रधानमंत्री संसद में जो प्रधानमंत्री बने हुए थे तो दरोजे पे माथा टेका था, आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। मणिपुर हमारा सांस्कृतिक एक बहुत बड़ी धरोहर है इस मुल्क का। आज उस मुल्क उस मणिपुर में चारों तरफ गरीबों पर, मजलूमों पर, बच्चों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार खामोश बैठी हुई है, कोई भी एक्शन नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस मुल्क के अंदर। हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय मणिपुर की जो सरकार है उसको अवलंब बर्खास्त करें, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे और जो वातावरण वहाँ विषाक्त बना हुआ है, जो कट्टा का वातावरण बना हुआ है, जो एक दूसरे को मार काट रहे हैं, उसके लिए शांति का वातावरण वहाँ बनाया जाए। इस देश की जो पहचान है वो ये है कि सब लोग, सब जातियाँ मिलजुल के रहती हैं, लेकिन इस हुकूमत में, भाजपा की हुकूमत में पूरे मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर में जो लोग मारे जा रहे हैं, गरीब आदिवासी लोग, जो सबसे समाज के गरीब लोग हैं, मोदी के राज में पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो दलितों पे हो रहा है, आदिवासियों पे हो रहा है, गरीबों पे हो रहा है और माइनॉरिटी पर हो रहा है। ये मुल्क के लिए बहुत गड़बड़ बात है। विजय श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय लोकदल।